तो कैसे हो मेरे जान लोग, मेरे जिगर के टुकड़े सब मजा मस्त। यार आज के समय लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनना चाहते हैं। सकल सूरत अच्छा हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्मार्ट दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल नहीं स्मार्ट बनना चाहते हैं, हैंडसम नहीं स्मार्ट बनना चाहते हैं। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ, पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। गुड, आई लाइक दिस। अगर दीदी आप सच में स्मार्ट हो तो बुरा मत मानना, लोग आपको आपका बाल से नहीं पहचानेंगे, क्योंकि सारी लड़कियां का तो बाल यार सेम होता है, बड़ा बड़ा वो सब लोग जानते हैं, लेकिन हाँ लोग आपको आपका दांत से पहचानेंगे, क्योंकि आपका जो दांत है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक है, बड़ा बड़ा राक्षस की तरह आपका दांत दिख रहा है। और ये क्या होता है, ये काहे को स्मार्ट यार, आपको देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा कि थोड़ा सा भी स्मार्टनेस है आपके अंदर। स्मार्ट का मतलब होता है सकल सूरत के साथ साथ दिमाग से भी तेज होना, और जो आदमी दिमाग से तेज रहेगा वो अपने घर में थूकेगा, भूल कर भी नहीं, आपको देखकर जरा सा भी स्मार्टनेस नहीं लगता। अगर ऐसा आदमी अपने आप को स्मार्ट बोलता है ना तो वहीं पर जूता से मारना चाहिए, लेकिन आप मेरे से बड़े हो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं यार, थोड़ा इमेजिन करके देखो आप लोग, जो आदमी अपने घर में थूकता है तो दूसरे का घर में क्या करेगा। ये तो मोय 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 दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, 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 मेरे दूल्हे को बुलाओ। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिया दिया दूल्हा, आप लोग देख सकते हैं। तो मेहरबान और कदरदान, अगर आप लोगों को शादी करना है तो कर लीजिए, क्योंकि प्योर रशियन ले आया हूँ, ऐसा कोई नहीं देगा, दहेज बिल्कुल नहीं लेगा, बिल्कुल 0 रुपया से शादी करेगा। अरे भाई अपना होने वाला पत्नी को यार कुछ बोलो, ये देखो कैमरे में, देखो कैमरे में, देखो सब लोग देख रहे हैं तुमको, बोलो बोलो। दहेज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज सब ठीक है, कोई दहेज नहीं, पूरी रात खुश रखूंगा। अरे पूरी रात नहीं, पूरी पूरी जिंदगी यार, थोड़ा ये थोड़ा जिंदगी खुश रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फंटास्टिक, जब आना है तब। दूल्हा को ही मेरा दूल्हा, बहुत देर से दूल्हे का तलाश था, ले लिया दिया तुम लोग के लिए स्पेशल दूल्हा, प्योर रशियन है, रशियन रशिया से जाकर ले आओ, कर लो सब लोग शादी, अब हो गया कि नहीं, सच सच बताना, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। चल रही है स्टंट करने के लिए, अब नहीं करेगी स्टंट। अरे यार और हम लोग को स्टंट दिखना, और 2-4 स्टंट दिखा दो ना, ये अपना गलती से नहीं गिरी है। जो लोग बोलते हैं ना हमारी देश की बेटियां, हमारी देश की बेटियां किसी से कम है क्या, जो लड़के कर सकते वो बेटियां भी कर सकते, उनका बोलने से ये सब हुआ है, क्योंकि ये सब सुनने के बाद लड़कियों का ऐसे पिछवाड़ा फूल जाता है। मैं सारी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस लड़कियों को बोल रहा हूँ वो समझ सकती है मैं किसको बोल रहा हूँ। यही बात सुनने के बाद ये बहन जी आ गई स्टंट करने के लिए, क्योंकि लड़का स्टंट कर सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं कर सकती है? देखो करवा ली कि नहीं बेइज्जती, हो गया। अच्छा हुआ कि ये जो थोबड़ा है हेलमेट के अंदर है, अगर हेलमेट नहीं रहता ना तो ये पूरा थोबड़ा फूट जाता, पूरा दिमाग लाइन पे आ जाता, वैसे तो तुमको चोट बहुत खतरनाक जगह लग गया, वो हम लोग को दिख ही रहा है। पहले कंखवा का बालवा छील लो, उसके बाद सुंदरपा दिखाना, वैसे ठीक है तेरा सुंदरपा देख कर मजा आ गया दिल से, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा यार, इतना कम मेकअप करके क्यों वीडियो बना रही है? अरे और थोड़ा मेकअप करके आओ तब ना वीडियो क्वालिटी पूरा खतरनाक आएगा। अरे यार लिपस्टिक भी पूरा कम लगाई यार, और लिपस्टिक पोत के आओ तब ना पूरा ओठ रसमलाई की तरह लाल चमकेगा। और ये क्या होता है, ये जो है ना नाक थोड़ा दबा कर रखो, नहीं तो इसमें एनाकोंडा घुस जाएगा, ऐसे भी तुम्हारा सकल सूरत हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। और हाँ थोड़ा इसको काम किया करो, इसको थोड़ा ट्रिम करो, ऐसे दिखाई जैसे लग रहा है हमारे पास है ही नहीं ना, भगवान ने तुमको स्पेशल बनाया, हम लोग को तो भगवान कुछ दिया ही नहीं है। अरे अगर ट्रिम नहीं करने का मन करा तो वहां एक काम करो, इतना मेकअप उठा और ढक कहीं से थोप लो, क्योंकि मेकअप करना तो तुम लोग का हॉबी है ना, पूरा ढक जाएगा।